सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड गाइज, आज मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है दिन से, और मतलब 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और क्यों जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड गाइज, शार्विन रेडी है, मैं रेडी हूँ, और हम लोग जा रहे हैं ओला में। तो अभी ओला बुक करवाना है मुझे, एंड बैग भी मेरा पैक है। तो गाइज चलो चलते हैं, और उसके बाद फिर मिलती हूँ। लगाया, हाँ आपको दिखाती हूँ। वेट, तो जब लेके आए थे तब कितने छोटे छोटे थे, और अभी देखो कितने इसमें फ्लावर भी लग गए, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है। और अब इसकी फिर माला बनेगी दिवाली में डेकोरेशन के लिए मेरी। हमारी चल रही है शादी की तैयारी, नेल पेंट लगा दिया है वहाँ पे, मम्मी जी का नेल पेंट लग रहा है। ये नेल पेंट लगाया आज मैंने, क्योंकि मेरे साड़ी के साथ मैच का कलर। सताने लो इसको, सताने पढ़ाई शुरू, शार्विन की पढ़ाई शुरू। 10th क्लास में पढ़ता है ये लड़का, ए लिखना भी नहीं आता इसे। जब लेफ्ट हैंड यूज करेगा, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले यूज करो ना। आर को हाथ ले चलाओ, आर को हाथ ले चलाओ, छिटो उल्टा हाथ ले। के क्या बनाई दे सा, क्या क्या बना दिया इसने तो भाई। अभी उससे मन भर के फिर हाथ में चलाएगा। अब आर ओ राइट है ना, पकड़ना पड़ेगा जैसे इसको सिखाया हुआ। करो करो, गुड 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 बॉय। देखो गाइस, जब ये दिखा, जब मैंने आपको ये दिखाए थे ना, ये इतने छोटे छोटे प्लांट थे, और अब देखो कितने सुंदर सुंदर फूल लग गए गेंदे के दिवाली के लिए। सो गाइज, मैं पहुंच गई थी कल अपने मतलब ससुराल में पहुंच गई थी, और मैं ना आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ना अपडेट नहीं दे पाई, क्योंकि मतलब ना मेरा इतना सर दर्द हो गया था ना, मतलब कार में आपको पता है मैंने बताया है ऑलरेडी कि मेरा मुझसे ना, मुझे कार में इतनी स्मेल आती है ना, वो ओला कार में ना, तो मुझसे ना बिल्कुल नहीं मतलब बैठ नहीं जाता। बल्कि जब गाड़ी ना मतलब आई भी नहीं थी ना, पहुँची भी नहीं थी ना, तभी मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया था ये सुन के कि भाई मतलब ओला में जाना है, तो इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाई। और उस टाइम फिर आके मैंने अपनी सासू माँ से खूब गप्पे करने में लग गई थी फिर बैठ के, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इसीलिए। एंड गाइज, मैंने आपको कहा था ना कि मैं बताऊंगी कि मैं ससुराल में क्यों आई हूँ। एक्चुअली आज मेरी कज़न देवर की शादी है, और फिर उसी के लिए ही मैं आई हूँ। एंड अभी हो रही है शाम, तो अभी मैं चाय जाके पीऊँगी, उसके बाद आऊँगी फिर तैयार होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शार्विन को भी करना है। फिर ना मॉर्निंग में भी ना शार्विन की चोट लगी थी, और वो इतनी ज़ोर से गिरा कि उसका ना यहाँ लिप्स पूरा नीचे, ये लोअर लिप इतना एकदम कट गया, और इतना ब्लड आने लग गया, ब्लड ही नहीं रुक रहा था। मतलब इतना कॉटन लगाने के बाद भी हम मतलब ऐसे निकाल रहे थे, तो वो बिल्कुल भी लगाने नहीं दे रहा था, बहुत रो रहा था, और ब्लड इतना ज़्यादा आ रहा था ना, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी, कुछ उस कारण भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। और बिल्कुल वो नहीं मान रहा था, बार बार वो हाथ ऐसे कर रहा था, और यहाँ लिप्स में इतना ज़्यादा मतलब गहरा कटा हुआ था। तो फिर अभी तो खैर ठीक है, ब्लड मतलब नहीं आ रहा है ठीक है, इसलिए मैं परेशान थी यार मॉर्निंग से ना, तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की। एंड उसके बाद खाना खुना खा के हम सो गए थे, उसके बाद अभी मैं उठी हूँ। एंड गाइस, अब मतलब शादी में जाना है, तो बस फिर तैयार होने के लिए मैं आई हूँ। शार्विन को मैंने आधा तो रेडी कर दिया है, और अभी उसे मैंने कपड़े नहीं पहनाए, क्योंकि ना वो फिर ना गंदे कर देता है खेल खुल के ना, इसलिए मैं सोचा ज़्यादा टाइम ही पहनाऊँगी, तो इसलिए मैं आ गई हूँ गाइस। एंड अब मैं होती हूँ तैयार, और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, एंड तैयार हो गई हूँ, शार्विन को भी मैंने रेडी कर दिया है, फिन भी रेडी है। एक इसका चलो, इसका तो दिखा देती हूँ मैं लुक। शार्विन लुक, लुक है, लुक है, लुक है, गुड बॉय। पूरा
सो गाइज हम निकल गए हैं शादी में जाने के लिए एंड मैं शादी में भी पहुंच गई हूँ और उसके बाद अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मतलब गाने गुने बज रहे थे, डीजे बज रहा था तो आपको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा था और मैं बोलते हुए जा रही थी एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने वीडियो बनवाई। ये था एंट्रेंस और सच में ये बहुत ही सुंदर था। हम तो पहले पहुँच गए थे इसलिए हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाने का हमको टाइम मिल गया एंड आप एंट्रेंस देखो। गाइस ये है शुभारंभ का एंट्रेंस, देखो कितना सुंदर है। देखो बाबू वहाँ पे है, खेल रहा है, वो पूरा एक्सप्लोर कर रहा है। गाइस इसको तो झूले में ही मजा आ रहा है, देखो कितना खुश है। गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी व्लॉग में डालने के लिए वीडियो और शारिक के साथ झूले पे और उसको ना काफी अब दिखा चारों तरफ दिखा। हजुर अगाडि अगाडि हिँड्यो न, चलो चलो एन्ट्रेन्समा छ, हाँ एन्ट्रेन्स छ, पापालाई पकडाइदियो न। उसके बाद फिर ना मैं अपने सासू माँ के साथ फोटो खिंचवा रही थी। सो गाइज मैं आ गई हूँ शादी में एंड बहुत शर्म आ रही है वीडियो बनाने में, स्टिल मैं बनाऊँगी। और अभी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है एंड मतलब फ़ोटोज़ खींच लिए वो आप देखोगे यूट्यूब के शॉर्ट्स में एंड अभी कोई भी नहीं आया इसलिए फ़ायदा उठा रहा है फ़ोटो खींचने का। और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। देखो अपने चाचा के पीछे पीछे गया। मम्मी और मेरे सासू माँ, मम्मी और आगे हाय बंदो व्लॉग माँ। ये देखो यहाँ पे झूला झूल रहा है, मजा आ रहा है। टाइम भी बहुत हो गया, 10:30 बज गया होगा एंड व्लॉग को भी मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय।